हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नई सीरीज सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 6 में। आज हम पढ़ने वाले हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो व्हाट इज़ अ जंक्शन ऑब्जेक्ट? अभी मैंने आपसे पहले आपको दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स बताए थे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जंक्शन ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू स्टैब्लिश अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल, जो ऑब्जेक्ट ए है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बी के रिकॉर्ड से क्या कर सकता है, लिंकअप कर सकता है, और सिमिलरली वाइस वर्सा वाला इसमें सीन है। तो जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अभी हमने लुकअप और मास्टर डिटेल पहले हम पढ़ चुके हैं, वो वन टू मैनी होते हैं दोनों। तो इट इज़ अ कस्टम ऑब्जेक्ट। जंक्शन ऑब्जेक्ट एक कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, विथ टू मास्टर डिटेल फील्ड्स ऑन इट। उसके अंदर क्या होती हैं? दो मास्टर डिटेल फील्ड्स होती हैं। फर्स्ट मास्टर डिटेल क्रिएटेड ऑन द जंक्शन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मास्टर। जो पहले मास्टर डिटेल होता है उसको हम प्राइमरी मास्टर बोलते हैं। जो सेकेंडरी मास्टर डिटेल क्रिएटेड होता है उसको हम सेकेंडरी मास्टर बोलते हैं। ठीक है, दो मास्टर डिटेल के फील्ड क्रिएट होते हैं इस जंक्शन ऑब्जेक्ट पे, यानी कि इस कस्टम ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट? जंक्शन ऑब्जेक्ट जिस पे आपके दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बने होते हैं। तो हूएवर इज द ओनर ऑफ प्राइमरी मास्टर, की प्राइमरी मास्टर का जो भी आपका ओनर होता है, ही विल बी द ओनर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड रिकॉर्ड। तो जितने भी वो जंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उनका भी वो ओनर बन जाता है जो आपका प्राइमरी मास्टर का ओनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है। सपोज करो ये जो आपका ऑब्जेक्ट जे है जंक्शन, यानी कि ये एक आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है। आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो आप उसके लिए क्या करते हो, यहाँ पे बीच में एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो, इस पर दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो ये क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ए के साथ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप से लिंक हुआ, ऑब्जेक्ट बी के साथ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप से लिंक हुआ, और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अगर हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। तो देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 टैब ओपन किए हुए हैं। पहले टैब में देख रहे होंगे तो एयरलाइन का ऑब्जेक्ट ओपन है, दूसरे टैब में एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्ट ओपन है, और तीसरे टैब में हमारा ऑनबोर्डिंग का एक ऑब्जेक्ट है, वो मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं अगर बैकग्राउंड में भी तीनों टैब को यहाँ पे खोलूँ तो ये मेरा ऑनबोर्डिंग हो गया, इसके साथ मैं एयरलाइन और एम्प्लॉयज़ को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एयरलाइन को ओपन करते हैं। एयरलाइन, ये मेरा एयरलाइन हो गया ओपन, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का भी ओपन कर लेता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एम्प्लॉय का हो गया। अभी आप देखोगे तो मेरा ऑनबोर्डिंग पे भी कोई रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है, एयरलाइन की भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी से भी, और यहाँ पे मैं देखूँ तो एम्प्लॉय पे भी मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एयरलाइन और एम्प्लॉय पे क्या हो, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मैं इस्टेब्लिश कर सकूँ, क्योंकि कोई एक एम्प्लॉय मेरा मल्टीपल एयरलाइन में काम कर सकता है। एट अ टाइम तो नहीं कर सकता, बट ऐसा है कि कुछ टाइम उसने किसी एयरलाइन में किया, फिर कुछ टाइम बाद उसने कोई एयरलाइन ज्वाइन कर ली, तो उसके रिकॉर्ड में वो डेटा तो मेंटेन रहेगा ना कि पहले प्रीवियसली कहाँ था, अब कहाँ है। तो यानी कि मल्टीपल एयरलाइन से किसी एम्प्लॉय का कनेक्शन हो सकता है। सिमिलरली एक एयरलाइन मल्टीपल क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकती है, हायर कर सकती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एयरलाइन का और एम्प्लॉय का आपस में क्या हो, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको किसकी नीड होती है, जंक्शन ऑब्जेक्ट की नीड होती है, क्योंकि जब आप, मैंने आपको दो रिलेशनशिप समझाए थे लुकअप और मास्टर डिटेल, वो वन टू मैनी होता है। तो जंक्शन ऑब्जेक्ट एक हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है होता है, तो यहाँ पे जो जंक्शन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा वो हमारा ये ऑनबोर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है ये एक रोल प्ले करेगा जंक्शन ऑब्जेक्ट का, किसके बीच में, एयरलाइन के और एम्प्लॉय के बीच में। तो उसके लिए मुझे क्या क्रिएट करना होगा ऑनबोर्डिंग पे, दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करनी होगी। किसके साथ? एक होगा हमारा होगा प्राइमरी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, दूसरी होगी हमारी सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में हम एयरलाइन रखते हैं, सेकेंडरी हम जो हम दूसरी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाएंगे वो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। तो मैं मास्टर डिटेल पे अगर जाऊँ, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पे हम अपना पहला एयरलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं एयरलाइन, इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो इसको भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो चाइल्ड रिलेशनशिप, ये इसको ये रहने देते हैं सेम, नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है
ऐड कस्टम रिलेटेड लिस्ट। तो जो कस्टम रिलेटेड लिस्ट है, मैं क्या चाहूँगा कि जो मेरा एयरलाइन है, इस एयरलाइन के रिलेटेड में मेरे को क्या दिखाई दे, एम्प्लॉय दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या रख लेता हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय रख लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा रिलेशनशिप बनाता हूँ अपना, दूसरे के लिए भी न्यू पे बटन के क्लिक करेंगे हम। दोबारा से मास्टर रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इस बार हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे गाइस, एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऑनबोर्डिंग की जगह क्या कर दूँगा, एयरलाइन कर दूँगा। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पिछले केस में मैंने उसको क्या कहते हैं एम्प्लॉय कर दिया था, इस केस में मैं एयरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा जंक्शन ऑब्जेक्ट है ऑनबोर्डिंग, इसको हम क्या कर रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना रहे हैं उन दोनों के बीच में। तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं ये चाहूँगा कि मेरा एयरलाइन के रिलेटेड में मुझे ऑनबोर्डिंग ना दिखे, मुझे क्या दिखे, एम्प्लॉय दिखे। उसी तरीके से एम्प्लॉय के रिलेटेड मुझे ऑनबोर्डिंग ना दिखे, मुझे क्या दिखे, एयरलाइन दिखे। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं आपको जाके अभी दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना दिए, तो मेरा ये जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है एक तरीके से। तो मैं अगर एम्प्लॉय पे यहाँ पे जाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे दो एम्प्लॉय के यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं दो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, एक है मेरा अरुण, एक है मेरा सुधीर। इसको मैं अरुण के रिकॉर्ड को अगर ओपन करूँ और इसके रिलेटेड में अगर जाऊँ मैं, तो इसके रिलेटेड में आप देख रहे होंगे एयरलाइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑनबोर्डिंग नहीं दिख रहा है, एयरलाइन दिख रहा है, क्योंकि रिलेटेड लिस्ट का नाम मैंने उसका क्या रख दिया था गाइस, उसके रिलेटेड लिस्ट का नाम मैंने रख दिया था एयरलाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अभी कोई नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, न्यू करता हूँ, तो ऑनबोर्डिंग नेम अगर मैं यहाँ पे सपोज कर इसका नाम रख देता हूँ जयपुर ऑनबोर्डिंग। ठीक है, और इसमें मैं एयरलाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो एयरलाइन सपोज मैं कर देता हूँ एयर इंडिया, तो सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से एक और रिकॉर्ड अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इस बार मैं सपोज करता हूँ मुंबई ऑनबोर्डिंग, और इस बार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे जयपुर की जगह सॉरी एयर इंडिया की जगह क्या ले सकता हूँ, विस्तारा ले सकता हूँ। ठीक है, तो मुंबई ऑनबोर्डिंग में मैंने क्या करा था, विस्तारा से मैंने उसको लिंकअप किया था, और जयपुर की मैं एयर इंडिया से करा था। तो एक तरीके से क्या हुआ कि मैंने क्या करा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, किसके साथ, एयरलाइन के साथ। सिमिलरली एयरलाइन पे मैं अगर जाऊँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ अगर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एयर इंडिया के रिलेटेड में आपका क्या हो गया, एक रिकॉर्ड आ गया है, क्योंकि एक रिकॉर्ड एयर इंडिया का मैं वहाँ से बना चुका था। यहाँ से भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑनबोर्डिंग का नाम डाल सकते हो, सपोज पुणे ऑनबोर्डिंग, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो गाइस, एम्प्लॉय को हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं अरुण या फिर मैं सुधीर के लिए इस बार कर देता हूँ सुधीर, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा कि दोनों के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट कर दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो एयरलाइन को मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और एम्प्लॉय को मल्टीपल एयरलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक जंक्शन ऑब्जेक्ट का आपने यूज़ किया है इसमें, जो एक कस्टम ऑब्जेक्ट होता है, उस पर आपके दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनते हैं, और जैसे ही आप दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाते हो, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ रोल आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट का समझ आया होगा, क्योंकि बहुत सिनेरियोज ऐसे होंगे आपके प्रोजेक्ट्स में भी जिसमें आपको ज़रूरत होगी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने की दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में, आगे भी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।